हमारी तैयारियां हैं मोदी साल का, साढ़े चार साल में नाकामियां, किसी को नौकरी न मिलना, भ्रष्टाचार और देश की सेना का राजनीतिकरण करना, हम इस स्वतंत्र बीच में लेके जाएंगे और लोगों को एक बात समझाएंगे कि इस सरकार ने चार साल में झूठे वादे के अलावा और कुछ नहीं किया। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जो इंदिरा जी ने काम राजीव जी ने किया था वो आज मेरे राहुल जी करके दिखाएंगे इस काम को। पूरे दोस्त देख रहे हैं आप, फतेहगढ़ का जो भीड़ है, स्टेडियम जो बड़ा हुआ है वो पूरे फुल जोश में है और ये जोश जब जाके थमेगी 23 मई को जब हम जीत का सहरा कांग्रेस की सर बनेगा। पांच साल पहले देश में चौकीदार आया, देश में चौकीदार आया, कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूं, 56 इंच की छाती है, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, वो जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको, मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे। पांच साल, साढ़े चार साल हुए, कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना दिल्ली में, कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना, चौकीदार। उसको आप आस्ते से कहो, चौकीदार, 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 जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। ये है कांग्रेस पार्टी का कमाल। जब प्रधानमंत्री की फोटो ली जाती है, चाहे वो ओबामा जी के साथ हो, चाहे वो चाइना के राष्ट्रपति के साथ हो, वहां आपको कोई और नहीं दिखाई दे सकता, अकेले। एसपी जी के भी लोग नहीं दिखाई देंगे आपको वहां पे, सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। तो झूला झूल रहा था वहां पे, प्रेस वाले फोटो ले रहे थे, जूम इन कर रहे थे, और दूसरी साइड ढोकलाम में चाइना की आर्मी घुस रही थी। कांग्रेस पार्टी ने चार सवाल पूछे, आपने भ्रष्टाचार की बात की थी, तो एचएल को परे करके अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में कैसे खरीदा, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। उधर नरेंद्र मोदी भाषण में कहते रहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, अगर आप उनकी शर्ट के पीछे देखोगे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, जूते के नीचे देखो, मैं गारंटी देता हूं जूते के नीचे देखो, उनके सेलफोन के पीछे देखो जिससे वो सेल्फी लेते, मेड इन चाइना। बस में किसने बम किसने फाड़ा, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, याद होगा। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, जरूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश ए मोहम्मद ने करवाया, मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छोड़ा। कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। जैसे ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं नहीं हटने वाला, क्या करोगे, नरेंद्र मोदी घूम के चला जाता है। बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं,
बेसिकली नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा डर की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है। और आप लोग निडर, कर लो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो जितना मारना है, दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं। देखिए सीधी सी बात है, और यह निर्णय आपको करना है, सीधी सी बात है। देखिए, आप गांधी का हिंदुस्तान चाहते हो या गोडसे का हिंदुस्तान चाहते हो? एक तरफ प्यार भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत। कांग्रेस पार्टी के बूथ वर्कर से मैं कहना चाहता हूं, देखिए यहां पे 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को जीतनी है। बूथ पे आप कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, चौकीदार जी की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए, और बताइए कि कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली और हिंदुस्तान को बदल सकती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आज राहुल जी के भाषण से एक बूथ लेवल पे हमें क्या काम करना है, वो शिक्षा लेके जा रहे हैं और भरपूर ऊर्जा लेके जा रहे हैं कि दिल्ली में 700 सीटें जो है कांग्रेस की लेके आएंगे। मैं घर घर जाके लोगों से मिलूंगी, उनको उपलब्धियां बताऊंगी कि हमारी कांग्रेस ने कहां पर क्या किया है, तो वो उपलब्धियां की उपलब्ध पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और यही हमारी जो क्या नाम महिलाओं से अनुरोध है कि भटकना नहीं है, ये जो हवा हवाई वाली दोनों पार्टियां हैं इनसे दूर रहना है। अब कांग्रेस पार्टी जो जड़ से काम कर रही है और जिसने विकास किया है, आप विकास पर फोकस रहें। राहुल गांधी जी ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया कि जनता की नब्ज, जो बूथ का वर्कर होता है, क्यों ना उससे पूछा जाए कि आपको चुनावों के समय में क्या क्या समस्याएँ आती हैं, क्या क्या ऐसी कारण हैं जिनकी वजह से पार्टी मजबूत होती है, जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। और आज निश्चित तौर पर देश को ये पता चल गया है कि कांग्रेस को सही मार्गदर्शन यदि कोई दे सकता है, अगर देश को कोई नई दिशा दे सकता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एनर्जेटिक, और युवाओं के अंदर इतना जोश इनके भाषण से जो भरा हुआ देखने को मिला है। और जैसे कि मेन जो मुद्दा है बूथ मेरा गौरव, तो हर बूथ के जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने अपने मोटिवेशनल स्पीच से जो टाइट किया है, जो स्ट्रेंथन किया है, वो काबिले तारीफ है। मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी ने जो ब्लॉक प्रेसिडेंट और जो पोलिंग के जो बहुत एजेंट होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा। जब से उन्होंने बूथ के प्रेसिडेंटों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, जिससे लोग बहुत खुश हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी है और काम करने का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। राहुल गांधी के लिए बिल्कुल आज ठान लिया है कि जब तक राहुल गांधी जी को कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे हम चैन से बैठे नहीं। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है।